उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइवेट स्कूल पर फीस बढ़ाने पर लगाई रोक को हटा दिया है। आपको बता दें, कोरोना के चलते सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स पर फीस बढ़ाने से रोक लगाई थी। अब सभी प्राइवेट स्कूल 5% तक फीस बढ़ा सकते हैं। सुल्तानपुर में रामनवमी के अवसर पर गोमती मित्र मंडल ने सीताकुंड धाम परिसर को साफ किया। इस दौरान गोमती मित्रों में बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिला। साप्ताहिक श्रमदान करते हुए सभी ने श्री राम के जयकारे लगाए। सुल्तानपुर के बरौसा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन जयप्रकाश यादव ने किया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अमेठी में भादर के ग्राम सभा त्रिसुंडी में काली माता धाम पर रामनवमी के मौके पर सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक रानी अमिता सिंह ने शिरकत की। अमेठी के जगदीशपुर में शिरडी साईं विंध्यवासिनी समिति के अध्यक्ष नीरज सिन्हा ने 16 अप्रैल को भजन का आयोजन करने की बात कही, जिससे आसपास के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। अमेठी में एक बार फिर से मुख्यमंत्री आरोग्य मेला शुरू किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और सीएमओ अमेठी ने पूरे आरोग्य मेले का निरीक्षण किया। रायबरेली में लालगंज के बूथ पर एक मतदाता बुलडोजर पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा। मतदाता का बुलडोजर पूरे जिले में चर्चा का विषय बना रहा। रायबरेली में बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे एमआर मां हॉस्पिटल को सील किया गया। आपको बता दें, कुछ दिन पहले स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजा था, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का जन्मोत्सव मनाया गया। श्रद्धालु नाचते गाते खुशी मनाते नजर आए। अयोध्या और अम्बेडकर नगर के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर बने मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर शांतिपूर्ण चुनाव पूरा हुआ। दोनों जनपदों में 63 जनप्रतिनिधियों ने वोटिंग से किनारा किया। अयोध्या में लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान जिलाधिकारी नीतीश कुमार और SSP शैलेश पांडे भ्रमणशील रहे, साथ ही माथतों को कड़े निर्देश देते नजर आए। प्रतापगढ़ के विधायक राजा भैया ने आम आदमी की तरह लाइन में लगकर मतदान किया। प्रतापगढ़ में शांतिपूर्ण ढंग से कुल 99.25% मतदान हुआ। रामपुर के डालमिया आई हॉस्पिटल में डॉक्टर किशोरी लाल ने निशुल्क 24 रोगियों के आंख का ऑपरेशन किया। इस दौरान वीर खालसा सेवा समिति ने मुख्य अतिथि CMO रामपुर से फलों को भी बंटवाया। सिद्धार्थनगर के शक्तिपीठ मंदिर पलटा देवी में चैत्र नवरात्र के आखिरी दिन भक्तों का तांता लग गया। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पलटा देवी चौकी इंचार्ज तरुण कुमार मिश्रा काफी मुस्तैद दिखे, जिससे कहीं भी कोई अनहोनी ना हो पाए। लखीमपुर खीरी से स्वास्थ्य व्यवस्था का खस्ता हाल सामने आया है, जहां गंदगी से रोगी बदहाल दिखे। साथ ही आला अधिकारियों पर भी लोगों ने बदसलूकी का इल्जाम लगाया। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक CHC का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान असीम अरुण ने व्यवस्थाएं अच्छी होने के लिए अधीक्षक की हौसला अफजाई भी की। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।